साहस सरोकार। काशी में पीएम मोदी की मां का पिंडदान, छोटे भाई पंकज ने दशाश्वमेध घाट पर किया पिंडदान। भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, क्षेत्रीय अध्यक्ष बोले बीजेपी की जीत निश्चित। सपा ने दो कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए किया निष्कासित, पार्टी में रहते हुए निकाय चुनाव में अन्य पार्टियों की कर रहे थे दोनों कार्यकर्ता मदद। मथुरा में कम मतदान से परेशान हुए राजनीतिक दल, कम मतदान ने राजनीतिक पंडितों का गड़बड़ाया गणित। भाजपा ने 13 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित, बलिया में बगावत कर अपने प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे थे चुनाव। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर बुलंद शहर से है, जहां पर सांसद राजवीर सिंह, विधायक सीपी सिंह और देवेंद्र सिंह लोधी के अलावा सैकड़ों जन समुदाय के साथ भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश शर्मा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। नगर निकाय के चुनाव में रामलीला सेवा समिति के कैंपस में प्रत्याशी ब्रजेश शर्मा और गोपाल भैया के समर्थन में आई सांसद राजवीर सिंह ने सभी उपस्थित जन समूह से कहा कि नगर पालिका प्रत्याशी ब्रजेश शर्मा को मत देकर तीसरी बार विजय बनाए, जिससे नगर का चौमुखी विकास हो सके। उत्तर प्रदेश में 90% नगर निगम नगर पालिका है। वहीं गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर और हत्या के प्रयास के मामले हैं। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दोनों मामलों में कोर्ट ने 17 मई और 20 मई को अगली तारीख दी है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ हत्या की कोशिश और गैंगस्टर का मामला विचाराधीन है। हत्या के प्रयास मामले में 20 मई को कोर्ट ने अगली तारीख दी है। आज जो है माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के दो मुकदमे लगे थे, एक तो 307 और 120 बी का मुकदमा है जो थाना मोहम्मदाबाद का है, और एक जो है गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है थाना करंडा का। ये दोनों मुकदमा जो है सन 2009 का है। वहीं रायबरेली में अमर शहीद हवलदार राम यादव की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, उसके परिजनों के आंखों के आंसू अभी नहीं सूखे। वहीं दूसरा हवलदार राजकुमार यादव का शव आज उनके पैतृक गांव मुड़िया खेड़ा में पहुंचा। पार्थिव शरीर पहुंचते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजनों समेत कई लोगों ने शहीद राजकुमार यादव को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ग्राम मुड़िया खेड़ा ब्लॉक की राम कुमार यादव की अचानक मृत्यु हो गई, जिसमें आज हम उनके अंतिम यात्रा में शामिल होकर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित कर पारिवारिक सदस्यों को सांत्वना प्रदान करते हैं। हम ईश्वर से दिवंगत आत्मा पूर्ण आत्मा के अपने श्री चरणों में स्थान दे वीर राम कुमार यादव अमर। और ये पोस्टर राजस्थान में गंगानगर में थे, और कल रात को अचानक सूचना मिली है कि वो ड्यूटी पे मतलब शहीद हो गए। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक आवास पर आज कर दिया गया है। एक 14 साल की बच्ची है, दूसरी जो है 11 साल की है, और एक 3 साल का बच्चा है। सब लोग गमगीन हैं, थोड़ा क्षेत्र गमगीन है। ये उनका जो व्यक्तिगत स्वभाव था हमारे क्षेत्र में बहुत मिलनसार। वहीं प्रयागराज में गंगा घाट पर स्नान करने गए 4 युवक एक नदी में डूब गए। 3 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाला। गोताखोरों की ओर से लगातार तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार हंडिया कोतवाली क्षेत्र के जगुआ सोंधा गांव के निवासी अपने 4 साथी के साथ गंगा स्नान करने गए थे। कोतवाली क्षेत्र के बहारपुर मवैया गंगा घाट पर आए हुए थे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी, और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार तलाश कर रही है।
वहीं औरैया में एक कस्बे की सड़क जहां सब्जी बाजार लगती है, जहां बिना बारिश के पूरी सड़क पर पानी भरा रहता है, जिससे बाजार में सब्जी लेने वाले ग्राहकों समेत अन्य राहगीरों को सड़क से निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ये सड़क चौराहे से बाजार की मुख्य सड़क है, जिससे लोगों का आवागमन होता है। नालियों की साफ सफाई ना होने के चलते नालियों पर स्थानीय दुकानदार के अतिक्रमण के कारण जल निकासी नहीं हो पा रही है। मजबूरी में यहाँ के आने जाने वाले लोगों को गंदे पानी में घुसकर जाना पड़ता है। पानी भरा पड़ा है यहाँ से, हमारे नवाजी लोग आते हैं, मस्जिद हो जाते हैं, बड़ी समस्या है, लोग निकल नहीं पाते और कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो अभी तक आपने किसी से कहा नहीं? अरे काफ़ी लोगों से शिकायत की है, आपको परगना अधिकारी से भी शिकायत की, फिर भी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। सर ये कि पानी भरा रहा था, निकलने का रास्ता नहीं, पानी का ना निकल निकास गड़बड़ा। किस जगह ये? अहरबा कुली, अहरबा कुली कटरा चौराहे। तो अभी तक आपने उच्च अधिकारियों से किसी कहा नहीं? अरे कितनी बार शिकायत है, कहीं 100 क्षेत्र पर शिकायत की कई बार। पानी की समस्या बारों मास सड़क भरी रहती है यहाँ विकास। क्या आपने अभी तक किसी से कहा नहीं? कहा तो है प्रधान से, क्या उबेर का जब सुनते हैं तब तो सुनता ही नहीं है अभी। और किसी अधिकारी वगैरह से ब्लॉक में या और किसी? ब्लॉक में सब में शिकायत करा था, आज फोटो खींच ले जात और कह दे सफाई हो गई, शिकायत करो प्रधान से, प्रधान जाकर तुम्हारी सफाई हो जाए। वहीं अगली खबर देवरिया से है, जहां पर रेलवे स्टेशन के गेट के सामने दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान कई युवकों ने दुकान में घुसकर जमकर मारपीट की। मारपीट का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये पूरा मामला पैसे की लेन देन का बताया जा रहा है। मामले में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं आगरा में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बच्ची 3री कक्षा में पढ़ रही है, जबकि आरोपी युवक 19 साल का है। बच्ची को घर में अकेली पाकर युवक ने उसे हवस का शिकार बना लिया और फरार हो गया। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं DCP सिटी ने बताया कि आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। वहाँ पहुँच के हमने पूरा मौके समझा और वहाँ पे जो पत्ते तोड़ते हैं, पत्ते तोड़ के बकरियों को खिलाने के लिए एक लड़का आया था और उस वक्त बच्ची के माता पिता बाहर थे और ये उसे बच्ची को अकेला पाकर उसने ये हरकत की और उसके बाद वहाँ से फरार हो गया था। हमने CCTV कैमरा और आस पड़ोस के मुखबिरों के आधार पर उसको 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया और इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और इन सबका। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जिशान जुड़ चुके हैं। तो जिशान, 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस मामले में? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आगरा में थाना न्यू आगरा क्षेत्र में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बच्ची 3री कक्षा में पढ़ रही थी जबकि आरोपी युवक 19 वर्ष का है। बच्ची को घर में अकेला देकर वह मौके का फायदा उठाकर बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला उसने वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वहां मौके से फरार हो गया। बच्ची को लहूलुहान हालत में परिजनों ने हॉस्पिटल इमरजेंसी में पहुंचाया और तत्काल पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और 12 घंटे में ही पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। जो मौजूद युवक था जिसने युवती के संग जो वारदात को अंजाम दिया था उसको तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी, तो बच्ची की इस समय क्या हालत है, क्या कुछ उनकी हालत में कुछ निजात हुआ है बच्ची की हालत में? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बच्ची जिस वक्त उसके साथ जो दरिंदगी की वारदात हुई थी परिजनों ने उसको उस लहूलुहान हालत में आगरा की इमरजेंसी में उसको एडमिट कराया था। उसके बाद से बच्ची की हालत में सुधार है। हालांकि जो परिजन है उनका साफ तौर से कहना है कि जो युवक है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद जिशान।
वहीं संभल में भट्टे पर खेलने गया 10 साल के बच्चे की पानी के गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और घर में पूरी तरह से कोहराम मच गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि भटके की भड़क में पानी भर रहा था, जिसको जेसीबी में से 8 फीट गहरा गड्ढा खोदकर पानी को भर दिया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। भट्टे वाले फरमान, उनके भट्टे वालों ने गड्ढा खोदा और मेरे लड़का साहब डूब गया। कृष्ण गोपाल साहब, श्रुति जी, नदी जी और कल्लू और बुल्ला जी, छह जने। ये गड्ढा किसने खोदा था? इन्होंने मालिकों ने। नहीं, कौन से मालिक ने खोदा था? सबकी मर्जी से खुदा साहब, ये तो सबकी अनुमति से खुदा, भट्टे वालों की शीघ्र मालिकों की सबकी अनुमति से। तो आपको बता दें कि गड्ढे में गिरने की वजह से 10 साल के मासूम की मौत हो गई। एक पानी के गड्ढे में गिरने की वजह से 10 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। यहाँ आपको बता दें, संभल से खबर आ रही है, पानी भरे गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। मौत की खबर से घर वालों में मातम छा गया है, परिजनों में बच्चे की मौत की वजह से कोहराम हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुबारक अली जुड़ चुके हैं। तो मुबारक, इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? आपको बता दूं, जनपद संभल के थाना अकमोली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था, बच्चे की उसमें डूबने से उसकी मौत हो गई है। और बड़ा सवाल ये भी हो रहा है, जो ये भट्टे माफिया है, इतने गहरे गड्ढे कर देते हैं, करीबन 8-8 फुट गहरे गड्ढे कर देते हैं, तो उस पर इनके खिलाफ कोई, भट्टे माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन यहाँ पे चुप्पी साधे हुए पड़ा है। और दूसरी तरफ परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, जो पुलिस जो बताया है, जो परिजनों ने जो भट्टे माफियाओं पर और दो चार और पर जो आरोप लगाए हैं, तो उसके कारण उसकी मौत हुई है। दूसरी तरफ पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस ने परिवार वालों को समझाया बुझाया, संभल भरने के बाद में उसमें पुलिस जांच में जुटी है पुलिस। तो इस समय बच्चे के जो परिजन है उनकी क्या हालत है, वो किस स्थिति में है इस समय? बच्चों के परिजनों का जब साफ तौर से वीडियो में देख सकते हैं, बच्चों के परिजनों के क्या हालात है और रो का कितना बुरा हाल है, कैसे जमीन पर बच्चे के खातिर वो परिवार वाले रो रहे हैं। और उसके बाप को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कैसे गिरा रहा है और कैसे गिरा रहा है। पुलिस मौके पर वहाँ पर मौजूद है, पुलिस समझाने की पूरी कोशिश कर रही है। और समझाने के बजाय पुलिस जो कह रही है, पुलिस में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने के बाद में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए धन्यवाद अली। वही हरदोई में रोडवेज बस स्टैंड पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीट पर बैठने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दरअसल नैमिष जाने के लिए सवारियां बस स्टैंड पर खड़ी थी, इसी बीच दो पक्षों में मारपीट होने लगी। वही सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को लेकर थाने गई है। ASP पूर्वी नृपेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस जांच में जुटी है। सपा मेयर प्रत्याशी के समर्थन में राष्ट्रीय सचिव, पूर्व मंत्री और अखिल भारतीय शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम आसरे विश्वकर्मा शाहजहांपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की, भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर सपा का गढ़ है, यहां 60 में से 47 पर सपा जीत रही है। बैठक के दौरान सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खां, सपा प्रत्याशी के ससुर सर्वेश राठौर और पूर्व MLC अमित यादव भी मौजूद रहे। यहाँ नगर निगम के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो साफ है कि BJP इस बार हारेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी। हाँ, अपील कर दिया सभी से, हमने पहली बार कर दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए Prime TV के साथ।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।